तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा सियासी धचका। वजीर तीन रहनुमाओं ने आईपीपी में शमूलियत का फैसला कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा सियासी धचका लग गया है। मजीद तीन रहनुमाओं ने आईपीपी में शमूलियत का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। सलीम शेख बताइएगा, एक और बड़ा धचका तहरीक इंसाफ को लगा है, मजीद तीन रहनुमाओं ने आईपीपी ज्वाइन कर लिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो अभी बाजाबता तौर पर जो है आईपीपी ज्वाइन नहीं की, आज 5 बजे जो है वो बाजाबता तौर पर आईपीपी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पे जो है पीटीए के साबिक रहनुमा अंजीब अब्बास, साबिक रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेद राणा और इसी तरह सुमैरा बुखारी जो है वो अपना सियासी मुस्तकबिल पीटीए से छोड़कर जो है आईपीपी में से शामिल होने के लिए जा रहे हैं और आज बाजाबता 5 बजे जो है वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसमें फिरदौस आशिक अवान जो है वो आईपीपी की रहनुमा वो इनके साथ होगी और वो बाजाबता तौर पर ऐलान किया जाएगा पीटीए को छोड़कर आईपीपी में शमूलियत का और इस तरह जो है वो पीटीए को एक और बड़ा सियासी धक्का जो है वो लग जाएगा। जी अच्छा सलीम शेख, ये बताइएगा कि मुलाकात कब तक मुतवक्के? जी ऐलान करेंगे जो है वो 5 बजे का बाजाबता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मुलाकात 5 बजे तक मुतवक्के है। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। हाजिर होंगे।